देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और वहाँ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलकर बैठकर के बातचीत कुछ हुई है। और उसके बाद आज दोनों डिप्टी सीएम, सीएम और संगठन के लोगों को बुलाया गया है। 2024 के चुनाव की चर्चा होगी और संगठन को बेहतर कैसे बनाने के लिए जो प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव प्रभारी, तो उसकी तैयारी और उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को आज बुलाया गया है। तो उसी के साथ आज तारीख भी तय हो जाएगी, जो आप लोगों के दिल में बहुत धड़कन रहती है, तो उसकी भी चर्चा होगी और तारीख तय हो जाएगी, तो तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी। आपके द्वारा भी कहा गया था कि काफी वक्त से कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। शुरुआत में जब घोसी उपचुनाव नहीं हुए थे तब तो दारा सिंह का भी नाम लेते थे, लेकिन अब वो तो हार गए। तो क्या लग रहा है कि अभी जो विस्तार होने वाला है उसमें आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या हमको हमारा नाम सबसे ऊपर है सूची में, जो सूची टाइप हुई है उसमें सबसे ऊपर नाम है, हमारा नाम कौन काट सकता है? लंबी सूची है मतलब? नहीं, लंबी सूची नहीं है, छोटी सूची है। सूची कब तक सामने आ जाएगी? 7 तारीख तक धैर्य रखिए, तारीख हम बता देंगे। 7 तारीख तक आप बता देंगे? तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार से क्या आपकी और क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं है, जो लड़ाई हो रही है, जो वंचित शोषित हैं, गरीब हैं, सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचाई जाए, बस यही एक लक्ष्य है। और बेहतरी कैसे हो, जो माहौल बना हुआ है, सपा चाहती है कि प्रदेश में दंगे हो, देश में दंगे हो, कर्फ्यू लगे, एनडीए चाहता है कि न दंगा हो न कर्फ्यू हो, सपा चाहती है नफरत का बीज बोना चाहती है। कब चाहती है सपा ये? जब सरकार रहती है उसकी तब का करते हैं? तो फिर आप तो साथ ये मोबाइल तो चिल्लाते हैं, साथ में चले गए थे लेकिन। नहीं, हम गए, देखिए जान के हम गए थे, जब कभी कभी कीचड़ साफ करना होता है ना, तो कीचड़ में हिलना पड़ता है महाराज, तो कुछ सफाई नहीं कर पाया आप, साफ हो गए फिर? नहीं, हम समझाए, नहीं माने तो फिर हम छोड़ दिए, हम के अब चाहो तुम तो।